नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको शाही पनीर बना के दिखाने वाली हूँ, पर मैं ज़्यादा मतलब कि ना काजू डालूंगी मैं, ना बादाम डालूंगी, बिना किसी ज़्यादा खर्चे के शाही पनीर बनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लूँगी, पहले कढ़ाई रखूँगी, एक चम्मच भर के ऑयल डालूंगी। तब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं बता देती हूँ, ये 500 ग्राम पनीर है, ये दो बड़े साइज की प्याज है, ये थोड़ा सा धनिया है, ये एक फूल पूरा लहसुन का है, और ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है जो मैं अभी इसमें फ्राई करूँगी, और ये 4 हरी मिर्चें जो काट लिए मैंने, और ये 6 बड़े साइज के टमाटर है, और कुछ ये साबुत मसाले हैं जिसमें से 4 लाल मिर्च है, 2 तेज पत्ता है, 2 हरी इलायची है, और 5-6 ये लौंग है। तो हम इसमें काजू नहीं डालेंगे, बादाम नहीं डालेंगे, और कोई क्रीम भी या मलाई कुछ नहीं डालेंगे, और सिंपल से शाही पनीर बनाएंगे। शाही पनीर इसलिए है ये क्योंकि पनीर अपने आप में खुद एक शाही चीज़ होती है, तो इसका खुद इतना टेस्ट होता है, तो इसमें कोई फालतू काजू बादाम या कुछ डालने की जरूरत नहीं होती। ऑयल गर्म हो गया, अब ये 1 पत्ते डाल देते हैं, 2 इलायची, 5-6 लौंग, लहसुन अदरक। ये मैं मोटा मोटा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी इसको जब ये मसाला बन जाएगा तो हम मिक्सी में चला के पेस्ट बना लेंगे और फिर उसमें पनीर डालेंगे। ये लाल जो सूखी मिर्च है ये डाल दी, इन सबको अच्छे से भूनना है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे तो सब्जी वैसे ही शाही बन जाएगी, वो टेस्टी बनती है। मैं इसमें नमक जितना मेरे को पूरी सब्जी के लिए चाहिए उतना मैं नमक अभी डाल दी हूँ, ये मैंने 2 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये तड़के में अगर हम नमक डालते हैं तो प्याज और जो लहसुन अदरक होती है जल्दी गोल्डन हो जाती हैं, जल्दी पकती हैं, और उनका टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं तड़के में डाल देती हूँ नमक। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे इसमें, तड़के में ही ये फ्राई हो जाएगा, दालचीनी भी डाल देना अच्छा होता है। मैं मसाला गोल्डन हो गया है, अब टमाटर डाल दूंगी। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, गैस का फ्लेम कम कर दिया है। अब गैस का फ्लेम बंद करके थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, फिर इसको मिक्सी में पीसना है। फ्रेंड्स, जो हमने ये मसाला बनाया था ये ठंडा हो गया है, अब इसको पीसना है और फिर तड़का लगाना है दोबारा।
पत्ता डाले हुए थे इसमें वो निकाल दिए हैं बाहर, और सारा मसाला पीसना है। तो जो ये हमारा मसाला है पूरा पिस गया है, और अब इसको फिर दोबारा से तड़का लगाएंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालना है, एक डेढ़ चम्मच के बराबर। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें एक छोटी वाली चम्मच जीरा डालेंगे। गैस का फ्लेम कम रखना है और सारे मसाले डालते जाना है। ये आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच धनिया सूखा वाला, और ये एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब ये मसाले पक गए, अब ये प्यूरी डालते हैं टमाटर। और इसमें पानी हमको ज़रूरत के हिसाब से डालना है, तो कोई ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली खाना पसंद करता है, कोई ठीक खाना पसंद करता है, तो उस हिसाब से हम डाल सकते हैं पानी। अब एक चम्मच भर के मैं इसको मैं गरम मसाला डाल दूँ और थोड़ी सी कसूरी मेथी। जो हमारी ग्रेवी बनाई है हमने उसमें उबाल आ चुका अच्छे से, और ये बन गया शाही पनीर। अब लास्ट में ये धनिया डालना है इसमें। तो बिना किसी ज्यादा खर्चे के अच्छा शाही पनीर बन जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप बना के देखना मेरी रेसिपी से, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। तो फ्रेंड्स आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।